vlog of the Ghai family. I think after a month, I am shooting this. बहुत गैप आ गया, I know, but as you all know, अभी 12 बजे शुरू होने वाला है मेरा बर्थडे, और क्योंकि मैं बहुत बिजी थी तो आई थॉट थोड़ा सा स्किन केयर कर लूं अपना, ताकि थोड़ी सी चमक जाऊं मैं। खुदियां जला जला के घूम घूम के मुंह तो पूरे बूथे पे पॉल्यूशन चिपका हुआ है, होम फेशियल टाइप का कर लूं रात के 11 बजे। आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव, बट आप लोगों की बहुत डिमांड थी मेरा बर्थडे का व्लॉग मैं पूरा शूट करूं। हियर आई एम। बाकी मैं कल पूरा दिखाऊंगी, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे एकदम फुल प्लानिंग वैनिंग कर रहे हैं, वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं सुबह से लेकर रात तक करने वाली हूँ। बाकी ये अभी हो रही है रात के 11 बज रहे हैं। अदा का कल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, तो इसीलिए हमने उसको जबरदस्ती सुला दिया है कि भाई तू सो जा, सुबह उसका कुछ स्पीच का है। लास्ट स्टेप फाइनली, और टाइम हो गया है 11:50। होगा कोई इतना आलसी कि बिल्कुल मतलब बर्थडे से 10 मिनट पहले ये सब कर रहा होगा। ये देखो भाई हमारे उस्ताद सर ने कितना अच्छा जुगाड़ किया है, द आर्ट, ओ नो द आर्टिस्ट। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर को लूज मोशन लगे हुए हैं। एक महीने बाद व्लॉग में वो देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं असली चेहरा, और उसमें गंदी गंदी बातें। गाइस वी आर डन एंड डिसाइडेड कल कहाँ जाने वाले हैं, अभी तक तो अब हम सोएंगे। वेल गुड मॉर्निंग, मैंने कहा यार मैं अब सुबह उठ के रेडी हो के ही आप लोगों के सामने कैमरे के सामने आऊँ, बट देखो मैं मुंह हाथ धो के ब्रश वश करके ही जिम के लिए रेडी होके कार में बैठी हूँ। बट यस नाउ ये थोड़ा सा कम हो गया, वैसे इतना मोटा सा पिंपल हो गया था बट ये थोड़ा सा कम हुआ है। जो भी आप लोग में से मेरे व्लॉग बहुत पुराने समय से देख रहे हो, तो वो लास्ट ईयर मेरे बर्थडे व्लॉग में मैंने अपने फैमिली से जिम की मेम्बरशिप मांगी थी, एंड आज पूरा एक साल हो गया है। लास्ट ईयर मैं अपने बर्थडे पे ही जिम आना स्टार्ट किया था, अदरवाइज मैं होम वर्कआउट करती थी उससे पहले, बट यस अपने बर्थडे मैंने जिम आना स्टार्ट किया था, एंड इट्स बीन 1 ईयर सिंस देन। मैं बहुत रेगुलर हूँ और मैंने आज भी मिस नहीं किया। मुझे बर्थडे में क्या मिला ये आप लोग को बहुत ज़्यादा सोचना आपके मन में आ रहा होगा, कुछ दिखाया नहीं रात को एटसेट्रा एटसेट्रा, सब पता चलेगा, वेट करो सब्र करो अभी ब्लॉग शुरू ही हुआ है। सो बेसिकली आई गेट टू नो अभी कि भाभी मुझसे पहले जिम चली गई थी 8 बजे ही, और उन्होंने ट्रेनर्स के साथ मिल के ये किया है मेरे लिए, केक वेक मंगवा के रखा था, एंड शी ऑर्डर्ड द केक विद देम। तो बेसिकली ये भाभी की तरफ से सरप्राइज था मुझे जिम में। पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अब बहुत सारे न्यू जिम्स खुल जाते हैं जाते आते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पर बड़ा अपना अपना सा लगता है, सारे ट्रेनर्स जानते हैं, अब जो ओनर है वो जानते हैं अच्छे से, वो एक्सरसाइज करवाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है यार मुझे। अब मुझे घर से फ़ोन आता है, बीच में ही आ गया था एक्चुअली, वो लोग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, चारू और लक्ष्य आए हुए हैं, एंड प्रियांशु तो अब हमारे घर आता ही है। पता नहीं आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि नहीं, मैंने ब्लॉग बनाया तब से कि नहीं बनाया, बट प्रियांशु अब आशु सर के साथ पूरा टाइम रहता है, वो 8:30 हमारे घर आ जाता है। तो तीनों आए हुए हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर मी केक शेक लेके, तो हमने कहा यार नाश्ता ले जाते हैं उनके लिए, छोले भटूरे लेने के लिए मैं वेट ही कर रही हूँ, बस बन रहे हों तो छोले भटूरे मैं दिखाती हूँ। ये आए रहे हैं सुबह सुबह तैयार होके, इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए यार, जो कर इस बार तुमने चारू को इन्वॉल्व कर लिया, वरना तो इसको बेचारी को छोड़ ही देते हो तुम लोग। हाँ ये जाती है, पतली भी तो हो गई है, बोला करो ना पतली हो गई है चारू, गाइस बताओ हो गई है ना, एक महीने बाद ब्लॉग देख के बताएंगे ये लोग। आज से सर को पड़ा 20,000 में थप्पड़। बचपन में उनको लगेगा वाह मेरे चाटे से ही कहां का कहां पहुंच गया, पर इसने कहा था मुझे मैम आपके बर्थडे पे घर पे आगे लक्ष्य गिटार बजाएगा। यार लक्ष्य कभी तो दिखा दो यार अपने कला, इतना छुपा क्यों रहे हो, मतलब क्या है उसमें ऐसा। घर आके नारियल काटने वाले को बुला रहे, ha
क्या है नहीं फास्ट ट्रैक वाला जो आप लोगों को दिखता ही होगा हर बार, मतलब मैंने टांगा ही होता है, चाहे मैं क्या स्कूल लेने जा रही हूँ, चाहे मैं अकेडमी जा रही हूँ, चाहे मैं ये तो मेरे भी काम आएगा। गर्ल्स का होगा ये। अभी मैं तो सब लगा लेता हूँ। गर्ल्स का परफ्यूम लगा के गर्ल्स ही अट्रैक्ट होगी ना। बॉयज अगर लगा ले तो गर्ल्स अट्रैक्ट। यस, प्रियांशु की शक्ल ले दो। ये ऐसे। एक साइड इसको भी गर्ल्स ज्यादा कह रहे हैं। सो गाइस आई एम रेडी। सो प्लान कुछ इस तरीके का है कि मेरे ऑफलाइन में दो ब्रांचेस हैं, सेक्टर 7 एंड 5। आज मेरा डे होता है सेक्टर 5 में। तो सेक्टर 7 वाले बच्चे कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ भी आओ। तो बाय चांस आज सैटरडे है और मोस्टली बच्चों की छुट्टी है, सो दे हैव प्लान कि 9th और 10th वाले अभी 1:15 बजे के करीब ही आ रहे हैं। आज मैंने कियान को जिमनास्टिक, उसका वीकेंड पे होता है, तो मैंने उसको लक्ष्य के साथ ही भेज दिया था, उसने ड्रॉप कर दिया। अब मैं उसको लेके आऊँगी, नीचे ड्रॉप करूँगी और फिर मैं वापस जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी ये खबर आ चुकी है कि वहाँ पे 9th वाले पहुँच चुके हैं फॉर सम लिटिल बिट डेकोरेशन इन द अकेडमी। तो वो थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ सिंपल सा आउटफिट जो मैं अकेडमी में पहनने वाली हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, सिंपल ब्लैक जीन्स एंड अ टॉप। भाई टीचर भी तो है ना। भाई लड़की सिलेक्ट हो गई स्टेट लेवल पे, ये डबल पार्टी है आज तो, और बढ़िया पार्टी करेंगे। प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया मुझे, अवार्ड तो नहीं, पिनाया इंस्टा होल्डर लिखे। मैंने पीपीटी बनाई थी तो शुरू में, तो यस देखो ये दुनिया है, ये दुनिया जीतने के बाद सब बोलते हमने कि हमने किया पहले कोई साथ। क्या सारी मैंने वैसे अदा की ही है। तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, लक्ष्य ही ज्ञान को वहां से ले आया और अब लक्ष्य मेरे साथ जा रहा है क्योंकि हमें उठाना था म्यूजिक सिस्टम। वहां बच्चों ने डिमांड की है प्लीज मैम लेते आना। ये मेरा केक, ये मेरे से उठवा के लाया है ये। देखो अगर इन्होंने स्प्रे किया तो ये व्लॉग से बाहर आज के बाद कभी भी नहीं आएंगे। डर लग रहा है यार। भाई मैम को ही मजा आ गया, मैम डेंटिस्ट से आ रही है। और गोलगप्पे देख के मैम रुकी नहीं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी पिज्जा पार्टी यार वहां से फ्री होके अब मैं जा रही हूँ सेक्टर 5 की तरफ।
ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ से बहुत फोन आ गए हैं, सो ऑन माय वे। सारे लौंडे लबाड़े हैं। मैंने अभी यहाँ बस पहुँची हूँ कार में आफ्टर द पार्टी, एंड अभी बच्चे ही ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह रख के गए हैं यहाँ पे, तो आई जस्ट थॉट कि पहले कार स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूँ कुछ व्लॉग में। एंड वो ये कि अक्सर हम लोग अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं, बट जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, आई फील सो यू नो स्ट्रेंज कि हाउ कैन दे बी दिस मच एक्साइटेड, दिस मच हैप्पी फॉर समवन एल्स बर्थडे। How they start planning like from 10 days back, and they plan different things, and they you know jitna kar sakte hain they do, they take out time to bring gift and make handmade gifts like this. Oh my god, kitna time laga hoga un ladkiyon ko yaar ye banane mein. So I feel so blessed. Abhi to main sirf 9-10th padhati hu, and this was just 9-10th ke batches. आपने जो देखा वो क्लास 9 थी, सेक्टर 7 में 10 थी, एंड यहाँ पे 10 थी, बाद में 3-4 बच्चे जो आए थे वो 9th के आए थे, क्योंकि मैं यहाँ आने में लेट हो गई थी। बट आई वॉज लाइक कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, मैंने यही सोचा। एंड टाइमली मैं फ्री हो गई हूँ, नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माई होम, क्योंकि वहाँ पे अब हम कहीं बाहर पूरी फैमिली घूमने जाएंगे, बट 8 o'clock के बाद ही जाएंगे, और अभी 7 o'clock होने वाले हैं, सो आई एम जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स माई होम। Got so many gifts. Had fun. Whosoever is watching, my offline, my online, my relative, my friends, my not so friends, my YouTube family, my Insta family, I love you all and thank you for showering itna sara pyar. तो यहाँ मैंने कियान को भी डाल दिया है स्केटिंग पे, वो स्केटिंग क्लासेस पे गया हुआ है भाभी के साथ आज, क्योंकि मैं लेके जा नहीं पाई बिकॉज आई वॉज बिजी, अदरवाइज हमने कियान को स्केटिंग पे भी डाल दी। भाई अदा को ये बहुत पसंद आ गया, मेरे को दीदियों का नंबर चाहिए, 4 दीदियों का नंबर चाहिए, सिया दीदी और ये 3 दीदी। भाई मैं यार बहुत मेहनत वाला हूं, बहुत ही मेहनत, सारे गिफ्ट्स जो भी वाला ब्लॉग को दिया था मैं सिया। नाउ आई विल गेट रेडी एंड दिस इज माय बर्थडे आउटफिट, सो आई एम हाफ रेडी, और मेरे एक्स स्टूडेंट्स आ गए, मैं दिखाई थी मेरे हर व्लॉग में आपको दिखते होंगे बर्थडे वाले, ये लाइटर साथ लेके घूमती हैं। वी आर गोइंग टू पिक उशांक सर, सो वी आर इन गुड़गांव, गुरुग्राम आई मीन। यहाँ मम्मी अदा और क्या पहली बार आए हैं, हम पहले आए हुए हैं एरो सिटी। इट्स अ वाइब, सो वी स्पेशली केम फॉर दरियागंज रेस्टोरेंट, इट्स फुल पैक फुल। कहा जा रहा है कि अभी 10 मिनट क्या आज ही आएगा ही नहीं, मतलब हर जगह आधे घंटे की कम से कम वेटिंग है, हर जगह। वी आर ऑलरेडी हेयर बाय 10:30, फाइनली वी आर एंट्रिंग। फैन मूवमेंट, ओ आई मीन मूवमेंट, मेरा इकलौता प्यार। आज भी गाना देगा ना, गाना भी और ड्रेस भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी वो बहुत लूज है, बहुत लूज आई है, उसका स्टफ ही ऐसा आएगा, वरना एस तो आता ही है मुझे, बट वो ब्रांड का डिफरेंस था, तो इसलिए मुझे उसका एस बहुत ढीला आया, तो वो तो अब मुझे नहीं आया। तो मम्मी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, पैसे बहुत सारे दिए हैं, कितने कुछ जो मन है तो खुद जाके ले ले,
बाकी जो मैंने बर्थडे ड्रेस पहनी थी वो भी गिफ्ट था, जो हील्स पहनी थी वो भी गिफ्ट था, जो परफ्यूम लगाया था वो भी गिफ्टेड था, तो सब कुछ मुझे गिफ्टेड था। बहुत सारे गिफ्ट थे छोटे छोटे जो बनते हैं, कभी कोई किसी ने दिया है, कोई किसी ने दिया है, कोई किसी ने दिया है घर के मेम्बर ने। एंड येस, सो दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, दैट्स हाउ आई एंड माई बर्थडे। थैंक यू सो मच फॉर शोविंग दिस मच लव। मेरे सीपी पे भी आपने बहुत सारे कॉमेंट्स किए हैं, बहुत सारे हैप्पी बर्थडे लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, होपफुली वेरी वेरी सून, वेरी वेरी सून, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब बहुत कुछ आ रहा है, टीचर्स डे आ रहा है, अदा का बर्थडे आ रहा है, भाभी का बर्थडे आ रहा है, फिर इनका बर्थडे आ जाएगा, बहुत सारा कुछ है। तो अब व्लॉग लाते रहेंगे। आई एम रियली सॉरी मैं बहुत लेट हो गई, बट यस आप प्यार दिखाइए, मैं व्लॉग दिखाऊंगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।